मॉर्निंग क्लास, आप सभी लोगों का स्वागत है एसएन कोचिंग ऑनलाइन चैनल पे। और आज हम लोग जो है रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सॉरी, जल्दी से आप सभी लोगों को ऑनलाइन आ जाइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कैलेंडर आज हम स्टार्ट करेंगे। आज रीजनिंग का पहला क्लास है और रीजनिंग की इस पहली क्लास में कैलेंडर हम लोग पढ़ेंगे। कैलेंडर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, आपके हर एग्जाम में आता है कैलेंडर आपका। एग्जाम्स आप कैलेंडर में किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनको देखेंगे और सारा हम लोग स्टार्टिंग ए टू जेड बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल थ्योरी पोर्शन जानते हुए पूरा हम लोग एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन हम लोग कैलेंडर में करेंगे, ठीक है। चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, चाहे वो नेट एग्जाम हो, चाहे वो सुपर टेट का एग्जाम हो, चाहे वो अदर वनडे एग्जाम हो, लेखपाल का एग्जाम हो, यूपीएससी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, कैलेंडर आपका हर एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने आशुतोष सर की क्लास देखी करंट अफेयर की, इसके बाद हम रीजनिंग लेकर के आए हैं। रीजनिंग आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग में हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर, और उससे पहले आप लोगों के कमेंट पढ़ लेते हैं। बाकी अंकिता कुशवाहा, गुरदीप सिंह, शुभम कुमार, रविकांत चौरसिया, श्रीकांत यादव, अर्चना रचना, अंजलि शुक्ला, नेहा मौर्य, सुष्मिता श्रीवास्तव, वंदना उपाध्याय जी, प्रदीप यादव, अनन्या मिश्रा, कुमारी पूनम और अर्चना यादव, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और चलिए आज एक नए दिन की शुरुआत होने हो रही हो चुकी है और आज हम लोग जो है रीजनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए कैलेंडर में क्या है कि कैलेंडर में आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें पहले जो है जानते हैं हम लोग कैलेंडर के बारे में क्या चीजें हैं जो हमको जाननी जरूरी है। कैलेंडर देखिए, कैलेंडर आप कितने प्रकार के कैलेंडर होते हैं बोला तो कैलेंडर से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। सबसे बेसिक जो क्वेश्चन बनता है कि हम लोग जो कैलेंडर को जानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं शक संवत, है ना। शक संवत आप देखे होंगे पंचांग वगैरह में यूज होता है, शक संवत होता है ना। एक आपका जो है जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं वो उस कैलेंडर का नाम ग्रिगेरियन कैलेंडर होता है। आप जो कैलेंडर आप डेली अपने लाइफ में यूज करते हैं उस कैलेंडर का नाम क्या है, ग्रिगेरियन कैलेंडर, ठीक है ना। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, कि आप जो अपने दैनिक जीवन में जो भारत सरकार यूज करती है उस कैलेंडर का नाम क्या है, तो ग्रिगेरियन कैलेंडर उस कैलेंडर जो है उसका नाम है, ठीक है। सर करेंट की क्लास बहुत अच्छी थी, धन्यवाद। और करेंट की क्लास डेली चलेगी आप लोगों की, सुबह 8 बजे आशुतोष सर लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो डेली आप लोग देखिए, बहुत ही अच्छा है, हर एग्जाम में आता है, बहुत जरूरी है। देखिएगा ग्रिगेरियन कैलेंडर जो है आपका, ये क्या है, इस ग्रिगेरियन कैलेंडर को क्या बोलेंगे। ये जो कैलेंडर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अब कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्या है। हम कहेंगे ये भारत सरकार का ग्रिगेरियन कैलेंडर क्या है, ये भारत सरकार का कार्यकारी, भारत सरकार का कार्यकारी कैलेंडर है। कैलेंडर कौन सा, ये है भारत सरकार का कार्यकारी कैलेंडर। कार्यकारी का मतलब होता है वर्किंग कैलेंडर, ठीक है ना। यानी भारत सरकार जो भी अपने डेट निर्धारित करती है, जो भी काम डेट होता है ना वो ग्रिगेरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही होता है। भारत सरकार का यदि क्वेश्चन एग्जाम पूछता है कि भारत सरकार का कार्यकारी कैलेंडर कौन सा है, तो क्या आंसर आएगा जो है ग्रिगेरियन कैलेंडर। बढ़िया भाई, तो भारत सरकार का जो कार्यकारी कैलेंडर कौन सा है, ग्रिगेरियन कैलेंडर है। लेकिन शक संवत का क्या रोल है, शक संवत का क्या रोल है, देखिए ये जो है, देखिए हुआ क्या कि जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, तो उस समय दो देश बने, एक भारत और एक पाकिस्तान नया देश बना। तो उस समय क्या हुआ कि धर्म के आधार पर भारत का विभाजन तो हो गया, लेकिन जो यहाँ पे कैलेंडर था वो कौन सा था, वो पहले से जो अंग्रेज यूज कर रहे थे, तो अंग्रेजों के द्वारा जो कैलेंडर यूज किया जा रहा था वो कौन सा था, ग्रिगेरियन कैलेंडर, ये अंग्रेजों के द्वारा यूज किया जा रहा था। तो उसी कैलेंडर को जो है भारत सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया, उसी कैलेंडर के अनुसार भारत के अंदर काम सारे अभी भी होते हैं, कैलेंडर चेंज नहीं किया गया। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया कि भाई जब अंग्रेज चले गए, ठीक
ठीक है, पाकिस्तान अलग देश बन गया, भारत का अपना खुद का एक कैलेंडर होना चाहिए। तो उसके लिए जो है उन लोगों को शांत कराने के लिए भारत सरकार ने कहा ठीक है, हम सख संबद्ध को मान्यता देते हैं, हम सख संबद्ध को मानते हैं, और इस सख संबद्ध को जो है भारत का राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय पंचांग सख संबद्ध को भारतीय भारत सरकार ने जो है भारत का राष्ट्रीय पंचांग घोषित कर दिया गया। तो अब दो क्वेश्चन बनेंगे यहां से, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या होता है, क्या बोलेंगे, सख संबद्ध होता है। भारत सरकार का कार्यकारी कैलेंडर जिसमें भारत सरकार अपने काम काज करती है वो कौन सा है, ग्रिगेरियन कैलेंडर। यानी राष्ट्रीय पंचांग केवल नाम का है, इसमें कोई काम वगैरह नहीं होता, ठीक है, केवल दिखावे का है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो भारत सरकार जो काम करती है वो ग्रिगेरियन कैलेंडर के अनुसार ही काम करती है। ठीक है भाई, बढ़िया यहां से है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं कि लीप ईयर्स क्या होते हैं, लीप ईयर्स का कंसेप्ट कहां से आया है, ये सारे चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके 12 महीने के नाम क्या है। सख संबद्ध के 12 महीने का नाम बताइए। यदि हम पूछें आपसे कि सख संबद्ध के 12 महीने का नाम बताइए, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में पूछा गया था कि सख संबद्ध के 12 महीनों के नाम कौन कौन से है, आपसे क्या पूछ देगा कि सख संबद्ध का पहला महीना कौन सा है, सख संबद्ध का 12वां महीना कौन सा है, सख संबद्ध में कितने महीने होते हैं। अब जानते हैं कि सख संबद्ध हो या फिर ग्रिगेरियन कैलेंडर हो, सब में 12 महीने ही होते हैं, लेकिन 12 महीने का नाम आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम कहेंगे सख संबद्ध के 12 महीने कौन कौन से हैं। आप जानते होंगे घर में, परिवार में आपके दादा दादी आपके पापा लोग यूज करते होंगे, ठीक है, वह आपका सख संबद्ध है। यानी जो आप जानते होंगे चैत्र मास, क्या बोलते उसको, 12 महीने का नाम बताइए। तो हाँ, चैत, वैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ और फाल्गुन, ठीक है, ये आपके 12 महीने होते हैं सख संबद्ध के। ठीक है भाई, बढ़िया ना, तो किन लोगों को पता है। हाँ, तो वंदना पधा जी चैत्र बता रही हैं, वंदना पधा जी फाल्गुन, यस वेरी गुड। ठीक है, तो अब बताइए हमको कि सख संबद्ध का 8वां महीना कौन सा, 8वां महीना कोई बच्चा बताएगा, सख संबद्ध का 8वां महीना कौन सा होता है। सुप्रिया त्रिपाठी जी क्या है, चैत्र, वैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फाल्गुन। अगहन आप भूल गई हैं सुप्रिया जी, ठीक है, अगहन भूल गई हैं आप, अगहन भूल गई। तो 8वां महीना कौन सा होता है, कुछ बताएगा। हाँ, चैत्र है सर, हाँ ठीक है, वेरी गुड अर्चना जी, चैत्र है, अगहन लिखना भूल गए, हाँ वेरी गुड, ठीक है, कार्तिक 8वां महीना कौन सा है, कार्तिक है, वेरी गुड, है ना। तो कितने बच्चों को, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको याद ही नहीं होता है, और अक्सर एग्जाम में आपसे सख संबद्ध के महीने के नाम पूछ देता है। एक बार एसएससी एग्जाम में पूछ दिया था कि अब सख संबद्ध का दूसरा महीना कौन सा, ठीक है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए 12 महीने के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। चैत, वैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ और फाल्गुन, ये 12 महीने होते हैं। 12 महीने को आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको याद नहीं हुआ, आपको भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग है और आपको याद ही नहीं है। अरे भाई, आपकी संस्कृति से जुड़ी हुई जुड़ा हुआ कैलेंडर है, आपको शादी विवाह जो होते हैं वो इसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग पंडित जी देख के बताते हैं पंचांग में कि किस जो महीने में आपका शादी होने वाला है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट कैलेंडर जिससे कि आपको शादी होनी है, वो कैलेंडर का नाम ही नहीं पता, उस कैलेंडर के महीनों के नाम ही नहीं पता है, बताइए, ठीक है। तो याद होना जरूरी है, याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं कार्तिक, हाँ 8वां महीना कार्तिक होगा, वेरी गुड, विष्णु पांडे का भी आंसर आ रहा है, कार्तिक सही है, बहुत बढ़िया है। अब आते हैं हम लोग ग्रिगेरियन कैलेंडर पाते हैं, ग्रिगेरियन कैलेंडर में क्या है, आप तो इसको तो बच्चे बच्चे की जुबान पर अटा हुआ है, ग्रिगेरियन कैलेंडर। एक्चुअली में इसको देखिए, इसको हम लोग ग्रिगेरियन नाम क्यों पड़ा आप जानते हैं, एक्चुअली में हुआ क्या, यहाँ पे जो ग्रिगेरियन, जो पॉप ग्रेगरी, एक पॉप ग्रेगरी, पॉप में समझते हैं ना, जो ईसाइयों, ईसाई धर्म में जो उनके गुरु होते हैं, पादरी जो होते हैं, पादरी जो होते हैं, बहुत बड़े गुरु होते हैं ईसाई धर्म में, उनको पॉप कहते हैं। पॉप ग्रेगरी थे, एक चर्च के पॉप थे वो ग्रेगरी, उनका नाम था ग्रेगरी, उन्होंने ही इस पंचांग को बनाया था। धीरे धीरे वही पंचांग जो है यूरोपियन कंट्रीज में फैल गया
और इंग्लैंड, मुख्यतः वो इंग्लैंड में वही कैलेंडर प्रचलन में आ गया। यानी इंग्लैंड के लोग जो है वो पॉप ग्रेगरी के द्वारा बनाए गए कैलेंडर का प्रयोग करते थे, इसीलिए उस कैलेंडर का नाम पड़ गया ग्रीगेरियन कैलेंडर। चूंकि अंग्रेज जो है, भारत अंग्रेजों का उपनिवेश रहा, इंग्लैंड का उपनिवेश रहा, इसलिए भारत में भी वही कैलेंडर जो है प्रचलन में आ गया, और वही कैलेंडर आज भी चल रहा है, वही कैलेंडर आज भी चल रहा है। भारत में ग्रीगेरियन कैलेंडर जो है मान्यता है कार्यकारी कैलेंडर के रूप में। अब बात करते हैं इसके 12 महीने। इसके 12 महीने तो आप लोगों को पता ही होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 12 महीने हो गए आपके जो है ग्रीगेरियन कैलेंडर के। सुप्रिया तिवारी जी, हाँ वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोगों ने देख लिया कि शक संवत क्या होता है, 12 महीने कौन कौन से होते हैं, ये राष्ट्रीय पंचांग होता है, 12 महीने आप लोगों को याद हो चुके हैं। ग्रीगेरियन कैलेंडर क्या होता है, इसका नाम ग्रीगेरियन कैलेंडर क्यों पड़ा आप जान चुके हैं, 12 महीने कौन कौन से हैं ये भी आपको पता है, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोगों ने इतना चीजें देख ली आज कैलेंडर में, अब हम पढ़ेंगे आगे कि लीप ईयर का कंसेप्ट कहां से आया, लीप ईयर क्या होता है और लीप ईयर का कंसेप्ट कहां से आया, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि लीप ईयर जो है ये कैसे यूज होता है, देखते हैं। तो लीप ईयर जो है ये क्या है, ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये लीप ईयर जो होता है, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अभी हम पूछें आपसे कि लीप ईयर को हिंदी में क्या बोलेंगे, कोई बच्चा बताएगा लीप ईयर को हिंदी में क्या कहते हैं, लीप ईयर को हिंदी में क्या कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों बता दीजिए, लीप ईयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा, लीप ईयर, तो एग्जाम में एक बार लीप ईयर को ही उसका हिंदी नाम पूछ दिया, हिंदी नाम दे करके पूछा गया था क्वेश्चन में, ठीक है, तो हिंदी नाम आपको पता होना जरूरी है, लीप ईयर का हिंदी नाम क्या होता है, चलिए बता नहीं रहा है, चलिए हम बता रहे हैं आप लोगों को इसका हिंदी नाम क्या होता है। यस, कोई नहीं, देखिए इसका जो हिंदी नाम होता है उसको बोलते हैं अधिवर्ष, क्या बोलते हैं, अधिवर्ष, अधिवर्ष, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में जो है लीप ईयर ना दे करके पूछ देगा आपसे, क्या पूछ देगा, अधिवर्ष, निम्न में से कौन सा अधिवर्ष है, निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है, तो अधिवर्ष लिख देगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो लीप ईयर का ही हिंदी नाम होता है, ठीक है, हिंदी में नहीं पता, हाँ पता कर लीजिए, अधिवर्ष होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लीप ईयर का कंसेप्ट कहां से आया, क्यों हुआ ये, एक्चुअली होता क्या है, देखिए एक तो सन आप जानते हैं इस सन के चारों तरफ जो है अर्थ राउंड लगाती है ना, ठीक है, हम कहेंगे क्या कहेंगे कि सन है तो सन ये हो गया सन, ठीक, इसके चारों तरफ जो है पृथ्वी रिवॉल्यूशन करती है, चक्कर लगाती है, ये हमारी हो गई अर्थ, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ यहां से कि पृथ्वी जो है जब राउंड लगाती है तो पृथ्वी को अपने इस स्थान से एक राउंड चलते 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 यहां तक पहुंचने में जो है कितने दिन लगते हैं, एक राउंड कंप्लीट करने में कितने टाइम लगता है, वन राउंड कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगता है, किसी को पता है भाई, एक राउंड कंप्लीट करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, अब ध्यान दीजिएगा, 365 दिन, 365 दिन का समय लगता है, ठीक है, इसके अलावा 5 घंटा और लगता है, 5 घंटा, तो पृथ्वी को जो है पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में सूर्य का 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट, कितना बोला हमने, 48 मिनट, ठीक है, और 47.5 सेकेंड, 47.5 सेकेंड, यानी कि इतना टाइम पृथ्वी को लगता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में, 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकेंड का समय लगता है, तब जाके तो पृथ्वी जो है एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लेती है। अब बात यह होता है कि जब कैलेंडर बनाया गया तो कैलेंडर में क्या हुआ कि 12 महीने बांट दिए गए, है ना, 1, 2, 3 ऐसे करते करते क्या हुआ, जनवरी, फरवरी, ऐसे कर करके 12 महीने बांट दिए गए, लास्ट महीना क्या हो गया, दिसंबर, ठीक है। अब बात हो गई दिसंबर, अब इस 12 महीनों को, इस 12 महीने के बीच में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट, 47.5 सेकेंड को किस प्रकार से बांटा जाए कि 12 ये पूरा का पूरा दिन इन महीनों में सेट हो जाए, पॉप ग्रेगरी ने क्या किया कि हर महीने को
30 का 31 का बनाते हुए चले गए, लेकिन फरवरी को उन्होंने क्या किया 28 का बना के छोड़ दिया। ठीक है तो अब हम कहेंगे कि अब ये 12 महीने जो है बन गए और हर महीने में 30 या 31 दिन सेट हो गया, फरवरी में 28 दिन हो गया। तो इस प्रकार से उन्होंने ये देखा कि 365 दिन 365 डेज जो है वो तो सेट हो गए, 365 डेज सेट हो गए, अब बचा क्या 5 घंटा 48 मिनट 47 सेकंड, ये जो था वो सेट नहीं हो पाया। अब बताइए पॉप ग्रेगरी ने क्या किया, 365 दिन सेट कर दिया, अब ये बच गया, इसका वो क्या की, इसको उन्होंने क्या किया, कहा कि चलो ठीक है मान लेते हैं कि अब जो हम 5 घंटा 48 मिनट का एक अलग से दिन बना दें, 5 घंटे का दिन बना दें तो कैसा फील होगा। अब बस सोचिए आप कि 31 जनवरी को 31 दिसंबर को साल खत्म हो गया, तो आपसे ये कहा जाए नहीं बेटा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी 5 घंटा बचा है, घबराओ मत, हैप्पी न्यू ईयर मत मनाओ, 5 घंटा और बचा है, अगले दिन 5 घंटा बीतेगा तब तुम हैप्पी न्यू ईयर मनाना, बताइए कैसा फील होगा आपको, 5 घंटे का क्या दिन बनाना पॉसिबल है। तो 5 घंटे का अलग से दिन का निर्माण कर लेना ये संभव नहीं था, इसलिए लोग परेशान हो जाएंगे, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, पॉप ग्रेगरी ने बताया ही नहीं कि कितने दिन में पृथ्वी चक्कर लगाती है, उन्होंने कहा उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि पृथ्वी चक्कर लगाती है 365 दिन में, उन्होंने ये जो चीज है ना ये चीज उसको छुपा लिया, उन्होंने इस चीज को छुपा लिया, उन्होंने केवल साल में 365 दिन ही माना और 365 दिन का उन्होंने कैलेंडर बना दिया। ठीक, लेकिन अब बताइए यदि ये त्रुटि हर साल होगी तो अब लगभग ये लगभग कितने घंटे का मान है, ये लगभग लगभग जो है ये 6 घंटे के इक्वल हो जाएगा, 5 घंटा 48 मिनट 47 सेकंड का मतलब हो गया लगभग 6 घंटा। ठीक है ना, हम कहेंगे ये जो टाइम है लगभग लगभग 6 घंटे के बराबर है, और उन्होंने क्या किया 6 घंटे कैलेंडर में जोड़ा ही नहीं, 365 दिन का ही कैलेंडर मान लिया, क्लियर है, 6 घंटा उन्होंने जोड़ा ही नहीं। अब ध्यान दीजिए अब इसमें क्या होगा, देखिएगा अब मजा आएगा आपको, यहाँ पे देखिए अब पृथ्वी जो है यहां से चलेगी, पृथ्वी यहां से यदि चलेगी तो यहां से घूम के यहां पर आने में 365 दिन लगभग 6 घंटे लगेंगे, कितना लगेगा 365 दिन 6 घंटे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि अभी पृथ्वी चलती हुई यहाँ पे आ रही है, यहाँ पहुंची, अभी यहाँ पे कितना पूरा हुआ 365 दिन पूरा हुआ, अभी कितना बाकी है 6 घंटा बाकी है, अभी पृथ्वी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 6 घंटा बाकी है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, पॉप ग्रेगरी ने कहा अब पृथ्वी का एक राउंड पूरा हो गया, 365 दिन पे ही एक राउंड पूरा हो गया, अब 6 घंटा बचा है, पृथ्वी चिल्ला रही है अभी हम पहुंचे नहीं है, एक साल का मतलब क्या हुआ, जहां से चली वहीं पे पहुंची, तब ना एक साल कंप्लीट होगा, एक राउंड कंप्लीट होगा, लेकिन अभी एक राउंड कंप्लीट हुआ ही नहीं, 365 दिन का ही एक साल मान लिया गया, अब पृथ्वी अभी 6 घंटे पीछे है, 6 घंटे पीछे है, पृथ्वी चिल्ला रही है, इधर लोग हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, अब लोग क्या मना रहे हैं, लोग हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं, और यहाँ पे 365 दिन नहीं हैप्पी न्यू ईयर मनने लगा, अरे हैप्पी न्यू ईयर अभी नहीं आया है, हैप्पी न्यू ईयर 6 घंटे बाद आएगा, हैप्पी न्यू ईयर 6 घंटे बाद आएगा, यानी हम ये कह सकते हैं जो आप लोग रात को 12 बजे हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं ना, वो रात को 12 बजे नहीं होता है, वो एक्चुअल में वो तो गलत है, जो असली जो हैप्पी न्यू ईयर होता है वो 6 घंटे बाद, यानी कि 6 बजे सुबह में होगा, 6 बजे सुबह होगा, रात को 12 बजे नहीं होता भाई, ठीक है ना, जान लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम हैप्पी न्यू ईयर सुबह 6 बजे मनाइएगा, रात को 12 बजे नहीं, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो है 6 घंटे बाद होगा, लेकिन कैलेंडर में क्या किया गया, 365 दिन का ही मान लिया गया, लोगों को ये लगा कि 365 दिन समाप्त हो गए, कैलेंडर में दिन बचा नहीं, चलो एक साल पूरा हो गया, ठीक है, इस प्रकार से कैलेंडर में जो है 365 दिन का ही कैलेंडर मान लिया गया। लेकिन यदि ये गलती बार बार होगी, जैसे मान लिया हमने कि अब पृथ्वी यहाँ पे है, यही पे एक साल पूरा हो गया मान लिया गया, अब पृथ्वी यहां से चली राउंड लगाना शुरू, दुबारा जब सेकेंड राउंड लगेगा, सेकेंड राउंड में क्या होगा देखिएगा, यहां से जब पृथ्वी मान ली चली, तो पृथ्वी चली घूमते, फिर इसी पॉइंट में आने पर उसे 365 दिन 6 घंटा लगेगा, लेकिन इसी पॉइंट पे अभी 365 दिन ही पूरा हुआ, 365 दिन ही पूरा हुआ, एक साल मान लिया गया, पृथ्वी फिर पीछे हो गई, कितना 6 घंटा फिर पीछे हो गई,
अब बताइए यही पे अभी पृथ्वी कह रही है, अरे हम पृथ्वी का जो स्टार्टिंग पोजीशन था, रियल पोजीशन था, वो तो यहाँ पर था। अब पृथ्वी 6 घंटा सेकेंड राउंड में क्या हुआ, 6 घंटा फिर पीछे हो गई, यानी कि नेक्स्ट सेकेंड ईयर में क्या होगा, 6 घंटा 6 घंटा 12 घंटा पीछे हो गई। कैलेंडर में 12 घंटा कम हो गया, भावनाओं समझिएगा, कैलेंडर में 12 घंटा कम हो गया। 12 घंटे कम होने का मतलब हुआ कि अभी आप रात में 12 बजे मना रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, रात में 12 बजे हैप्पी न्यू ईयर नहीं है, अगले दिन दोपहर में 12 बजे हैप्पी न्यू ईयर आएगा भाई, ठीक है। सेकेंड ईयर में क्या होगा, रात अगले दिन 12 बजे आपका आएगा हैप्पी न्यू ईयर आएगा। सब गलत मना रहे हैं आप लोग, जो हैप्पी न्यू मनाते हैं सब गलत मनाते हैं, ठीक है। रात में 12 बजे नहीं होता, अगले दिन दोपहर में 12 बजे होता है। तीसरे राउंड में क्या होगा, तीसरे राउंड में क्या होगा, 365 दिन यही पूरा हो जाएगा, अब 6 घंटा फिर बाकी रह गया, यानी जब तीसरे साल जब हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे 6 6 6 18 घंटा पीछे हो गया, अभी हैप्पी न्यू ईयर नहीं आया, 18 घंटे बाद है, यानी कि अगले दिन शाम को 6 बजे सॉरी 18 घंटे बाद हैप्पी न्यू ईयर आप मना पाएंगे, उस दिन अभी हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। लेकिन अब इस चीज को पॉप ग्रेगरी तो समझ रहे थे, पब्लिक नहीं समझ रही थी, आम आदमी नहीं समझ रहा था, लेकिन पॉप ग्रेगरी को ये चीज पता थी कि नहीं हम लोगों से गलत मनवा रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया कि अब चौथे राउंड में क्या होगा, चौथे राउंड में क्या होगा, 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा अब 24 घंटा, लगभग 24 घंटे का अंतर आ जाएगा कैलेंडर में, यानी हम हैप्पी न्यू ईयर आज रात को मना रहे हैं, आज रात को नहीं है 24 घंटे बाद, यानी कल रात में 12 बजे होगा, तो हम एक दिन पीछे हो जाएंगे। तो पॉप ग्रेगरी ने यह कहा कि अब एक दिन 6 घंटा कैलेंडर में जोड़ना तो आसान नहीं है, इसलिए ऐसा करो कि एक दिन जो पीछे हो गए ना, अब एक दिन जोड़ना आसान है, तो हम कहेंगे जो 6 घंटा 24 घंटा जो पीछे कर दिए कैलेंडर को, हम कैलेंडर में फरवरी 28 की थी, हमने एक जोड़ दिया, कितना हो गया 29 का, यानी अब जो 365 दिन का जो साल था, 365 का नहीं होगा उस साल, 366 दिन का साल हो जाएगा। इट मींस कि फरवरी में एक दिन जोड़ दिया गया, इट मींस क्या होगा, जो हमारा कैलेंडर एक दिन 24 घंटा पीछे था, वो एक दिन जोड़ दिया, अब क्या होगा, ये फटाक से यहां पहुंच जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 24 घंटे जो पीछे हो गए थे, 24 घंटा हमने जोड़ दिया, अब कहां पहुंच जाएगा, यहां पे, यानी कि हर चौथे साल जो हम लोग मनाते हैं हैप्पी न्यू ईयर, वो सही होता है, वो सही होता है, जो 6 6 घंटे का जो कमी करते चले गए थे ना, चौथे साल में जाकर के हम उस कमी को पूरा करते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी क्षमता है 5 रोटी खाने की, कितने की, 5 रोटी खाने की क्षमता है, और हम आपको 4 रोटी 4 रोटी 4 रोटी दे रहे हैं, ठीक है ना। अब पांचवें दिन हमने आपका क्या किया कि हमने कहा कि देखो भाई तुम एक रोटी कम खा रहे थे ना 4 दिन से, अब एक ही दिन कुछ 4 रोटी भी खा लो तो बराबर हो गया ना, यानी 5 5 रोटी ना देके हमने 4 4 रोटी दिया, और नेक्स्ट 5वें दिन हमने 5 रोटी एक्स्ट्रा दे दिया, कहा कि जो कमी हुई थी वो भरपाई कर लो, ठीक है, जो कमी किया था हमने उस भरपाई कर दी। वही हाल यहाँ भी होता है, 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा पीछे हुआ, चौथे साल में एक दिन जोड़ दिया, पूरा भरपाई कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने अपनी गलती को बचाने के लिए, गलती को सुधारने के लिए उन्होंने एक दिन एक्स्ट्रा ऐड किया, किसमें, फरवरी में, तो 28 की बजाय फरवरी हो गई 29 की, इसीलिए उस साल को बोलते हैं लीप ईयर। लीप मींस क्या होता है, जंप करना, क्या करना होता है, जंप करना, यानी वो जो साल है वो एक दिन जंप हो गया, ठीक है ना, एक दिन और एक्स्ट्रा हो गया, इसीलिए उस साल को बोलते हैं लीप ईयर, ठीक है, अधिवर्ष हिंदी बोलते हैं। तो हम कहेंगे हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है, जिसमें फरवरी 29 की होती है, अब पूरा वर्ष 366 दिन का हो जाता है। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा कि क्यों हम लोग एक दिन एक्स्ट्रा फरवरी में बढ़ा देते हैं, ठीक है भाई, आया कि नहीं बताइएगा। इसका मतलब सर लीप ईयर से ठीक वर्ष, ठीक पहले वर्ष में सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने विक्की, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, आप लीप ईयर से ठीक एक दिन पहले जो है सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है, 18 घंटे की गड़बड़ी होती है, ठीक है। तो उस गलती को सुधारने के लिए लीप ईयर आपको लाया गया, ताकि गलती दूर हो जाए, ठीक है ना भाई, बढ़िया है। सर उन्होंने फरवरी में क्यों 28 दिन का किया, वह अगर 30 या 31 दिन में करते तो 365 दिन हो जाता, बिल्कुल सही कहा आपने, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम बता रहे हैं क्या रीजन है। देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि पॉप ग्रेगरी ने कैलेंडर तो बना दिया, ठीक है, कैलेंडर किसका है, ग्रेगरी का है,
पोप ग्रेगरी का है, तो जो विद्वान कैलेंडर बनाता है वो अपने अकॉर्डिंग उस चीज को सेट कर लेता है, अपने अकॉर्डिंग उसको सेट किया। उन्होंने क्या किया कि सबको 30-31 का बना दिया, फरवरी को ही उन्होंने 28 छोड़ दिया। तो ये उनका अब पता नहीं क्या कंसेप्ट था, अब वो पोप ग्रेगरी ही बता पाएंगे, ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता है कि फरवरी को 28 बजाय 29 का क्यों किया, बाकी दिसंबर को 31 बजाय 32 का क्यों नहीं कर दिया, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा मिलता है। इसलिए अब पोप ग्रेगरी तो अब है नहीं, नहीं तो उनसे पूछते हम भाई क्यों आपने 8 फरवरी में ही 29 का किया, 28 का क्यों नहीं किया। ठीक है, जैसे तो वो अपना अपना तरीका है, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग सेट किया, अपने अकॉर्डिंग बना दिया, और उसको हमको केवल फॉलो करना है। ठीक है भाई, अब देखिए अब हिंदी पंचांग में क्या होता है, शक संवत में क्या होता है कि जो पंडित जी लोग जो पंचांग देते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें जो है हर चीज एक्यूरेट होती है, उसमें पब्लिक जो रियलिटी है वो पब्लिक के सामने है, इसीलिए पब्लिक को समझने में कठिनाई होती है, पब्लिक उसको समझ नहीं पाती क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट और सही सही गणना की गई होती है, मिनट में सेकेंड में गणना की गई होती है, इसलिए पब्लिक को समझ में नहीं आती है, उसको जो पंचांग देख सकता है वही देखता है उन चीजों को, वही बता पाता है। लेकिन पोप ग्रेगरी ने क्या किया कि आम आदमी उसको समझ सके, इसलिए उन्होंने जो कॉम्प्लिकेशन था जो कठिनाइयां थी उसको उन्होंने बाहर किया, लेकिन बाहर तो कर दिया लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत चीज हो गई है, वो गलत टाइम पर हम लोग को टाइम हुआ ही नहीं और हमने फेस्टिवल मना दिया, ये चीज गलत था। ठीक है, लेकिन पब्लिक के लिए आसान हो गया, इसलिए पब्लिक के लिए एक्सेप्टेबल कौन सा हो गया, ग्रिगेरियन कैलेंडर पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ज्यादा जनमानस में अधिक प्रचलित है, जबकि पब्लिक के लिए शक संवत को विक्रम संवत को समझना थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन बिल्कुल वो सही कैलेंडर है, वो बिल्कुल सही है, हर त्यौहार मिनट और सेकेंड के हिसाब से चलता है। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, शक संवत है, भारत का जो कार्यकारी कैलेंडर है वो कौन सा है, ग्रिगेरियन कैलेंडर है। तो लीप ईयर क्यों होता है, तो हर 4 साल में 6 घंटा जो पीछे होते हैं उसको कमी को दूर करने के लिए, त्रुटि को हटाने के लिए हम लोग एक दिन जोड़ देते हैं, जिसके कारण वह लीप ईयर बन जाता है। ठीक है, यानी सर एक साल में 6 घंटा बदलता है। हाँ ठीक है, पॉप ग्रेगरी से पूछ लो। हाँ भाई सर, संस्कृत कब चलेगा, संस्कृत चलेगा 11 से 12 सात क्लास है, आई थिंक 12 से 1 है, जो भी होगा। आप सर उनका एनिवर्सरी रहा होगा, याद ना करना पड़े, इसलिए 30-31 फरवरी में रखा है। चल देखते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। लीप ईयर आपने देख लिया, अब एक चीज और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही समझने की चीज है, समझ गए ना, लीप ईयर। अभी लीप ईयर अभी हम पूछेंगे आपसे, एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं, आप बताइएगा। ठीक है, बताइएगा। आई होप कि हमको लगता है कि लगभग 90% लोग इस क्वेश्चन का गलत आंसर देने वाले हैं, जो प्रश्न हम पूछने जा रहे हैं। ठीक है, यदि आपको आता है जरूर आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए पूछते हैं आपसे क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लीप ईयर नहीं है, निम्न में से कौन सा लीप ईयर नहीं है। ऑप्शन ए हम देते हैं आपको, दिया गया है ऑप्शन बी है 2004, ऑप्शन सी है 1800 और ऑप्शन डी है 1600। बताना यह है कि निम्न में से कौन सा लीप ईयर नहीं है, जल्दी बता दीजिए क्या आंसर आएगा, निम्न में से कौन सा लीप ईयर नहीं है, जल्दी से आंसर करिए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा लीप ईयर नहीं होगा, निम्न 4 ऑप्शन में से कौन सा लीप ईयर नहीं होगा, ये आपको आंसर देना है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बता दीजिए। नेट का क्लास कब चलेगा, रीजनिंग सब में आती है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ चलिए देखते हैं, रविकांत चौरसिया 1800, सुजीत कुमार ऑप्शन बी लगा रहे हैं 2004, अच्छा ओके। ललिता पाल, कौन सा लीप ईयर नहीं है ये आपसे पूछा गया है, रविकांत चौरसिया, अंकिता कुशवाहा 1800,
नेहा श्रीवास्तव 2004, प्रियंका उपाध्याय 1800, रविकांत अनुसुईया 1500 1800। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए हम बता रहे हैं, अब देखते हैं क्या इनमें से लीप ईयर नहीं है, क्या लीप ईयर नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, लीप ईयर का मतलब होता है जिस महीने में फरवरी 29 की होती है उसे लीप ईयर कहते हैं। लेकिन हमको ये कैसे पता कि इस साल फरवरी 29 की होगी कि नहीं होगी, साल को देख करके हम लोग कैसे पता लगा पाएंगे। इसके लिए ट्रिक हो गया, इसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि हम लोग चार से भाग देते हैं, जो भी साल होता है उस चार, उस साल को चार से भाग देके देखते हैं कि चार से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। चार से कटेगा लीप ईयर बनेगा, चार से नहीं कटेगा लीप ईयर नहीं बनेगा। यही तो हम लोग जानते हुए अभी तक आ रहे थे, यही आप लोग जानते थे अब तक। लेकिन एक्चुअल में ये जो आप जानते हैं ना, ये अभी आधा नियम ही जानते हैं, अभी आधा नियम, पूरा नियम तो आपने जाना ही नहीं। ठीक है, लीप ईयर का मतलब होता है चार से भाग देने पे जो कटा वो लीप ईयर है, जो नहीं कटा वो लीप ईयर नहीं है। ठीक, ये आधा नियम है। पूरा नियम क्या होता है ध्यान दीजिएगा, आधा नियम जानते हैं, पूरा नियम क्या होता है, पूरा नियम ये होता है यदि कोई भी वर्ष सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर का मतलब होता है शताब्दी वर्ष होना, लास्ट में दो जीरो होना, 2000, 2100, 2200, 1600, 1800, 1900, ये सब क्या है, शताब्दी वर्ष है, सेंचुरी ईयर्स है। जब लास्ट में डबल जीरो होगा वो सेंचुरी ईयर होगा। सेंचुरी ईयर में चार से भाग नहीं देते हैं, 400 से भाग देते हैं। भावनाओं को समझिएगा, 400 से भाग देते हैं, किसमें, सेंचुरी ईयर में। ठीक है ना, सेंचुरी यानी शताब्दी वर्ष में, तो शताब्दी वर्ष यदि है तो उसको 400 से भाग देते हैं, तो 400 से जो कटेगा वो लीप ईयर होगा, जो नहीं कटेगा वो लीप वर्ष नहीं होगा, किसमें, सेंचुरी ईयर में 400 से भाग देते हैं। और यदि जनरल ईयर है, जनरल ईयर, जनरल ईयर का मतलब क्या हो गया, साधारण वर्ष, यदि कोई वर्ष साधारण वर्ष है, सेंचुरी वर्ष नहीं है, तो उसमें चार से भाग देकर चेक करते हैं। तो अभी तक आप लोग केवल यही रूल जान रहे थे कि चार से भाग देते हैं, नहीं बेटा, 400 से नहीं, 4 और 400 दोनों चेक करेंगे। यदि जनरल ईयर है चार से भाग देकर चेक करेंगे, और सेंचुरी ईयर है 400 से भाग देकर चेक करेंगे। क्लियर है, अब आते हैं ऑप्शन पे। क्वेश्चन क्या है, 2000 क्या है, सेंचुरी ईयर है, 2000 को हम भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 400 से भाग देंगे, डबल जीरो कट गया, 4, 5, 20 पूरा पूरा कट गया, लीप ईयर है, लीप ईयर है, इसको हम आंसर नहीं मानेंगे। हमको पूछा गया कौन सा लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर है। 2004 क्या है, 2004 सेंचुरी ईयर नहीं है, ये जनरल ईयर है। 2004 क्या है, जनरल ईयर है, अब जनरल ईयर होगा। ठीक है, एक मिनट इसको रेज कर लेते हैं। देखिएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या कहेंगे कि 2004 क्या है, जनरल ईयर है, इसको हम भाग देंगे चार से, चार से भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है। 1800 क्या है, 1800 है, ये सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर है मेरे प्यारे बच्चों, सेंचुरी ईयर है, इसको 400 से भाग देंगे, चार से नहीं, 400 से भाग देंगे, डबल जीरो तो कट गया, 4 से 18 कटेगा, नहीं कटेगा, 400 से भाग देने का पूरा पूरा नहीं कटा, नहीं कटा यानी क्या, यही हमारा सेंचुरी ईयर नहीं है, इसी को हम लोग गोला करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1800 सेंचुरी ईयर नहीं है। आया कि नहीं है भाई, ठीक है, बढ़िया है, कर लेंगे ना। ठीक है, 2000 है सर आंसर, नहीं 2004 नहीं होगा, 2004 लीप ईयर है। चलिए, तो अब बात ये हो गई कि सर ये 400 मतलब कि आपने जो बताया कि 400 से भाग देते हैं, तो ऐसा क्यों हुआ, 400 से भाग क्यों देते हैं, या फिर 2000 लीप ईयर है, 2004 लीप ईयर, 1800 लीप ईयर क्यों नहीं हो रहा है, 4 से कहीं पे 400 से भाग देते हैं, ऐसा रीजन क्या है, इसके पीछे भी रीजन है। ठीक है, उसके लिए भी छोटी सी कहानी आपको सुननी होगी। ठीक है, चलिए तो आपको बताते हैं, 2004 लीप ईयर है, ठीक है, 1800 लीप ईयर नहीं है, तो क्यों नहीं है, 400 से भाग क्यों देते हैं, 400 से भाग क्यों देते हैं, उसकी कहानी सुन लीजिएगा। देखिएगा, हम 400 से भाग देना, 400 से भाग हम क्यों देते हैं, उसकी कहानी क्या है, सुनिएगा। अच्छा, हमें बताइए कि हम यदि पूछेंगे आपसे कि पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगाती है कितने दिन में लगाती है, तो अब कहेंगे सर हम, आपने बताया है
पृथ्वी जो चक्कर लगाती है वो 365 दिन लगते हैं, इसके अलावा 5 घंटे का समय लगता है, और इसके अलावा जो है 48 मिनट का समय लगता है, और इसके अलावा जो है 47.5 सेकेंड का समय लगता है। ये आपने बच्चा, ये हमने ये बताया ही है ना, ये हमने आपको बताया ठीक। लेकिन कैलेंडर जो बनाते हैं वो 365 दिन का ही मान लेते हैं, इसलिए क्या होता है, आज इसको लगभग क्या मान लेते हैं, 6 घंटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, लगभग 6 घंटा के बराबर मान लेते हैं। अब हमको बताइए आप कि ये 6 घंटा हमने मान लिया, और यानी कि हमको सोचिए कि ये आपका सन है, ये पृथ्वी है। अब मान लीजिए स्टार्टिंग पोजीशन पृथ्वी की यहाँ पे थी, पृथ्वी एक दिन पीछे हो गई थी, हमने पृथ्वी में एक दिन जोड़ दिया, 1 डे हमने जोड़ दिया, तो पृथ्वी फिर से अपने स्टार्टिंग पोजीशन पर पहुंच गई, कैलेंडर हमारा सही हो गया। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने कितना जोड़ा यहाँ पे, एक दिन, हमको जोड़ना कितना था, 6 घंटा, 6 चौका 24 घंटा हमने जोड़ा। 24 घंटा जोड़ने का मतलब एक दिन जोड़ा, हमारी पृथ्वी सही पोजीशन पर चली गई। लेकिन गड़बड़ हो गया मेरे प्यारे बच्चों, गड़बड़ हो गया यहाँ पे, यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, हमको 6 घंटा जोड़ना ही नहीं था, 6 घंटा नहीं, ये तो 5 घंटा 48 मिनट के हिसाब से आप देखेंगे तो 12 चौका 48 दिन होगा भाई, ठीक है, 6 चौका 24, यानी कि ये हमने क्या किया यहाँ पे कि 6 घंटा हमको नहीं जोड़ना था, हमको सॉरी 6 घंटा हमको 5 घंटा 48 मिनट जोड़ना था, यानी 4 साल में हम कितना जोड़ दिए, 24 घंटा, हमको 24 घंटा नहीं जोड़ना था, हमको 5 घंटे 48 मिनट के हिसाब से आप निकाल लीजिएगा, लगभग आ जाएगा 25 घंटा और 12 मिनट आएगा, 12-13 मिनट आएगा, है ना, ठीक है। तो हम कहेंगे लगभग इतना आएगा, हमको जोड़ना था 25 घंटा 13 मिनट, हमने जोड़ दिया 24 घंटा, अब बताइए हो गया ना गलती, हमने ग्रेगरियन ने क्या किया, जोड़ना था 25 घंटा 13 मिनट, अब जोड़ दिया 24 घंटा, सब चौपट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा जो दिया, पृथ्वी को पहुंचाना था यहाँ पे, पहुंचा दिया यहाँ पे, थोड़ा सा आगे, पृथ्वी कहाँ चली गई, कैलेंडर क्या, कैलेंडर में जुड़ा ना, कैलेंडर हमारा आगे हो गया, कैलेंडर जो हमारा आगे हो गया, जो कैलेंडर पीछे था वो कैलेंडर आगे हो गया। अब ये चीज, लेकिन मिस्टेक, चूंकि ये मिस्टेक 4 साल में एक बार होगी, हर 4 साल में एक दिन जोड़ेंगे, तो हर 4 साल में छोटी सी मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक क्या हो रही है कि हम कैलेंडर में क्या कर रहे हैं, लगभग देखा जाए तो 42 मिनट एक्स्ट्रा जो होती है, 42 लगभग मिनट, 12 चौका 48, हाँ लगभग 48 मिनट के आसपास हम लोग जो है, क्योंकि हर साल 12 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं ना, 12 चौका 48, हाँ तो 48 मिनट हम एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं। तो हम कहेंगे हर 4 साल में हमारी पृथ्वी 48, कैलेंडर हमारा 48 मिनट आगे जाएगा, हर 4 साल में 48 मिनट आगे जाएगा। सोचिए हर 4 साल में जब 48 मिनट आगे जाएगा तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। यानी ये मिस्टेक कब दिखेगा हमको, 400, यहाँ पे ये देखा गया कि 400 साल के दौरान में हमारी जो पृथ्वी है, जो कैलेंडर है, वो 3 दिन आगे हो गया, 3 दिन क्या हो गया, आगे हो गया। तो 400 साल में हमारा कैलेंडर 3 दिन आगे हो जाएगा, हर 4 साल में 48 मिनट आगे हो रहा है, यानी कि हर 400 साल में क्या होगा, वो 3 दिन आगे हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, फिर कहा कि अब कैलेंडर 3 दिन आगे हो गया है, जैसे हमारा कैलेंडर पहले पीछे था, एक दिन जोड़ के बैलेंस किया, अब कैलेंडर 3 दिन आगे हो गया, उसको बैलेंस करने के लिए कैलेंडर को पीछे करना पड़ेगा, 3 दिन पीछे करेंगे, अब 3 दिन पीछे करेंगे तो 3 दिन कम किया गया कैलेंडर में से, 3 दिन कम किया गया। कब कब कम किया गया, तो 400 साल के दौरान में कम करना है ना हमको, तुम कहेंगे 100वां वर्ष, 200वां वर्ष और 300वां वर्ष और 400वां वर्ष, इस 4 साल के दौरान में जो है हमारा कैलेंडर क्या हो गया, 400 साल के दौरान में हमारा कैलेंडर जो है वो आगे हो गया, कितना आगे हो गया है, 3 दिन आगे हो गया है, इस 3 दिन को कम करना होगा। तो हमने कहा 3 दिन कहाँ से कम ही करें, तो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए ये कहा कि जो 100वां साल है, 200वां साल है, 300वां साल है, एक दिन यहां से कम करो, एक दिन यहां से कम करो, एक दिन यहां से कम कर दो, 3 दिन कम हो गया। तो 400 साल के दौरान में आपका 3 दिन कम हो गया, लोगों को पता भी नहीं चला, इसीलिए तो हम कहा 100वां 200वां 300वां वर्ष लीप ईयर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से एक दिन कम हो गया, तो फरवरी 29 बजाय 28 की ही रहेगी, 28 की ही रहेगी, इसीलिए लीप वर्ष नहीं कहलाएगा।
तो यही रीजन है हर सवा वर्ष, दो सवा वर्ष और तीन सवा वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है। 2000 लीप ईयर होगा लेकिन 2100, 2200, 2300 लीप ईयर नहीं होगा। 2400 लीप वर्ष होगा लेकिन 2500, 2600, 2700 लीप वर्ष नहीं होगा। 2800 लीप वर्ष होगा, 29, 30, 31 लीप वर्ष नहीं होगा। यानी हर सवा, दो सवा और तीन सवा वर्ष क्या होगा, ये लीप वर्ष नहीं होता है। और हर चौथा सवा वर्ष लीप वर्ष होता है, ठीक है। इसीलिए ये रूल बना दिया गया, लीप ईयर चेक करने के दो रूल, लीप ईयर चेक करने के दो रूल हो गए, है ना। तो ये रूल आप याद रखिएगा, क्या रूल हो गया, लीप वर्ष चेक करने के दो रूल। पहला क्या है कि जनरल ईयर, जनरल ईयर यदि होगा तो जनरल ईयर में क्या करते हैं, चार से भाग देंगे, भागे चार करेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या हो गया, यदि वो सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, तो सेंचुरी ईयर में चार से भाग नहीं देते हैं, किससे भाग देते हैं, 400 से भाग देते हैं। ये दोनों चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है भाई, ठीक है सर। बट एक दिन एग्जैक्ट 24 घंटा भी तो नहीं होता है, ठीक है। 25, 22, 5 ऐड करना था लेकिन उन्होंने 24 ऐड कर दिया। हाँ सर, मेरा आज फर्स्ट डे है क्लास का और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी क्लास कब से स्टार्ट होगी। हाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए तो हम कहेंगे यहाँ पे कि यदि सेंचुरी ईयर है तो 400 से भाग देना है, और जनरल ईयर है तो 4 से भाग देना, ठीक है भाई। तो हम ओवरऑल अब सारी जो हमें क्लास ली है इसको हम आपको बताना चाहेंगे शॉर्ट में, पूरी चीजों को हम फिर से एक बार एक्सप्लेन करना चाहेंगे। हमने क्या पढ़ा है आपको, हमने पहली चीज हमने आपको ये बताई कि देखिए भारत में दो तरह के पंचांग होते हैं, एक शक संवत होता है। स्टार्टिंग हमने किया शक संवत से, शक संवत को हम क्या बोलते हैं, तो भारत का यह कहलाता है राष्ट्रीय पंचांग, ठीक है। एग्जाम में पूछता है भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो बता देंगे शक संवत होता है। शक संवत के 12 महीने के नाम कौन कौन से हैं, तो चैत, वैशाख, जस, अषाढ़, सावन, भादो, पुआध, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ और फाल्गुन, ये 12 महीने हो गए। इसके बाद कौन सा होता है, ग्रिगेरियन कैलेंडर होता है। ग्रिगेरियन कैलेंडर भारत का क्या होता है, ग्रिगेरियन कैलेंडर ये भारत का जो है कार्यकारी कैलेंडर है। क्या है ये भारत का, भारत का कार्यकारी कैलेंडर, क्या है ये भारत का कार्यकारी कैलेंडर होता है, ठीक है। सारा भारत का काम इसी कैलेंडर में किया जाता है। इसके बाद हमने क्या देखा कि सेंचुरी ईयर लीप ईयर क्या होता है, तो लीप ईयर में फरवरी 29 की होती है ना, फरवरी इसमें 29 की मानते हैं, और जो साल होगा वो कितना का होगा, वो 366 दिन का होगा, ठीक है, 366 दिन का होता है, ठीक है। इसमें कैसे चेक करते हैं, रूल ये है कि जनरल ईयर होगा तो 4 से भाग दे लेंगे, और सेंचुरी ईयर होगा तो 400 से भाग दे लेंगे। बस हमने आज इतना ही पढ़ाया और कुछ नहीं पढ़ाया है, ठीक है। या क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपके एग्जाम में, क्वेश्चन इसी में से आएगा जब भी आएगा, ठीक है। बढ़िया भाई, प्यार बच्चों बताइए आया कि नहीं आया, बढ़िया ना, ठीक है। चलिए तो हम लोग आज हम लोगों ने पढ़ा लीप ईयर क्या होता है, अब आगे कल जो मेरी क्लास होगी इस लीप ईयर से आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कैसे किसी डेट पर दिन ज्ञात करते हैं, दिन ज्ञात करते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए क्वेश्चन देते हैं, अब बताइएगा सपोज क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आता है यदि यदि आज, यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तो बताइए 52 दिन बाद, 52 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा दिन होगा बोला गया है, यदि आज सोमवार है तो बताना है कि 52 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है भाई। आ रहा कि नहीं आ रहा, है ना। अब इस क्वेश्चन को हमको लगाना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं राजकीय। सर सक्षमत और विकसमत में क्या फर्क है, सर डे कैसे निकालेंगे, यस सर, ठीक है बताते हैं आप लोगों को। सर सक्षमत और विकसमत में क्या अंतर है, इसको हम कल बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। पहले इसको आप देखिए क्या इसका आंसर हो, यदि आज सोमवार है तो 52 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है। 52 दिन का मतलब क्या हुआ, 52 दिन का मतलब ये हुआ कि सोमवार में हम 52 दिन जोड़ेंगे, सोमवार में 52 दिन जोड़ेंगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन बात यह कि 52 दिन जोड़ना एक लंबा टाइम है,
लंबे टाइम को कैसे करेंगे, तो इस प्रकार का प्रश्न हम लोग कल देखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, और इस टाइप के हम लोग सारे प्रश्न कल की क्लास में देखेंगे। कल आप लोग 9 बजे मेरे रीजनिंग की क्लास में आप लोग आइए। अभी आप लोगों की क्लास चलेगी, मैथमेटिक्स की क्लास है, आप लोगों को शेड्यूल गया होगा, शेड्यूल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्लास मैथ की क्लास है, जो कि नर्सिंग सर लेंगे, ठीक है ना। नर्सिंग सर के द्वारा अभी क्लास ली जाएगी मैथमेटिक्स की, और मेरी जो मैथ की क्लास होगी वो शाम को होती है 8 से 9, ठीक है। ओके बाय, गुड डे, आज के इतना ही, ओके बाय, धन्यवाद।